सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखिए, दो वर्ड हैं, एक है पब्लिक, दूसरा है फाइनेंस। पब्लिक का मतलब होता है लोग, जनता, अवाम, और फाइनेंस का मतलब होता है मनी, पैसा, फंडिंग, इनकम को हम फाइनेंस बोलते हैं। अभी पब्लिक फाइनेंस की जो टर्म है, इसके अंदर जो पब्लिक का वर्ड है, ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया गया है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं किया गया। पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंस की प्लानिंग करती है। किसके बारे में? लोगों के। जो गवर्नमेंट, अभी देखे ना, जितने भी एक कंट्री के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लोगों की डिवेलपिंग के ऊपर, सड़कों के ऊपर गवर्नमेंट ने पैसे लगाने होते हैं, जो आर्मी है कंट्री के अंदर उसके ऊपर पैसे लगाने होते हैं, जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे देने होते हैं। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और क्यों देगी गवर्नमेंट, कब देगी, कैसे इसे मैनेज करेगी, कैसे इसको चेक एंड बैलेंस इसका रखेगी, इसको हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीन मेजर चीज़ें आ जाती हैं। इनकम, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इनकम कैसे आएगी, वो टैक्स के ज़रिए से गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, या गवर्नमेंट के पास अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो उसके ज़रिए से, जैसे देखे ना दुबई में जो टैक्स बहुत कम है, क्यों, उनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, वो ऑयल बेच के ही काफ़ी इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट देखती है कि इनकम कहाँ से आएगी। और दूसरा आ जाता है एक्सपेंडिचर, कि वो जो इनकम गवर्नमेंट ने जनरेट किया उसको किस जगह पर लगाएगी, कब लगाएगी, क्यों लगाएगी, और क्यों इन्वेस्ट कर रही है। अगर देखें ना, गवर्नमेंट को आप टैक्स देते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंस नहीं कर रही, लोगों के ऊपर खर्च नहीं कर रही, इन्वेस्ट नहीं कर रही, तो लोग धरना करेंगे, सड़कें टूटी हैं तो लोग बोलेंगे। तो इस ये वजह है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो मुल्क की तरक्की होगी, डिवेल्पिंग होगी, एजुकेशन पर लगाएगी, हेल्थ पे लगाएगी, आर्मी पे लगाएगी, तो कंट्री क्या होगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ आएगा, तरक्की याफ्ता होगा। ठीक है, ये भी वजह होती है। तो पब्लिक फाइनेंस में हम यही देखते हैं। और तीसरी चीज़ आती है चेक एंड बैलेंस, कि हमने ये भी देखना होता है कि जो हम पैसे लगा रहे हैं, क्या जो हमारे पास इनकम आ रही है, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर, जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, क्या ये सही हैं, क्या इसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रही, कोई गपला तो नहीं हो रहा। अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर हम ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट कर रहा है हमारे कंट्री, हमारी गवर्नमेंट, तो क्या उसका आउटकम जो है वो हमें सही मिल रहा है या नहीं सही मिल रहा। तो ये भी हम आउटकम भी देखते हैं, और लास्ट में रिजल्ट भी देखते हैं। अगर रिजल्ट नहीं सही तो हम चेंज करते हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं, हम अपने मेथड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक फाइनेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।